हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। दिस इज सूरज कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद सूरज सर। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं बताऊंगा आपको एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस को हिंदी में कैसे पहचानते हैं, और हिंदी के अलावा डिस्टेंट किस तरीके से इंग्लिश में पहचानते हैं, और इंग्लिश में क्या रूल ऑफ ट्रांसलेशन होता है, उस रूल के बारे में हम जानेंगे। फिर डिस्टेंट मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफ़र करेंगे। अरे स्टूडेंट, पैसिव वॉइस में ट्रांसफ़र जब करेंगे तो जो पैसिव वॉइस का रूल है, पैसिव वॉइस के रूल के बारे में मैं आपको बताऊंगा, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से हम पैसिव वॉइस के रूल को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे और बहुत ही आसानी से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो आइए डियर स्टूडेंट, बिना देरी किए हुए आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने बताया, फर्स्ट ऑफ ऑल हम हिंदी में पहचानना सीखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो होता है आपका वाक्य के क्रिया के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे शब्द आता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाता है। इसमें मैं फिर से रिपीट करता हूँ स्टूडेंट, अगर हिंदी में पहचानना हो तो हिंदी में क्या होता है, वाक्य के क्रिया के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे शब्द आता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाता है। तो स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही आसानी से हिंदी में पहचानना सीख गए होंगे। आप स्टूडेंट, हम जानते हैं किस तरीके से हम इंग्लिश में पहचानते हैं, या स्टूडेंट क्या रूल ऑफ ट्रांसलेशन होता है। तो डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा कि अगर आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस आता है, पॉजिटिव सेंटेंस आता है, तो डियर स्टूडेंट हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। क्या होता है डियर स्टूडेंट, हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। सब्जेक्ट के बाद हम शैल या विल का प्रयोग करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, मैं शैल या विल को क्लियर करना चाहूँगा। अगर सब्जेक्ट आई और वी हो, अगर सब्जेक्ट आई और वी हो, तो ऐसे कंडीशन में हम शैल का उपयोग करेंगे। ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, अगर सब्जेक्ट के रूप में आई और वी आता है तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, शैल का उपयोग करते हैं। अगर आई वी के अलावा अगर कोई दूसरा सब्जेक्ट आता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, विल का प्रयोग करते हैं। आपको यही क्लियर होना चाहिए डियर स्टूडेंट, अगर सब्जेक्ट आई वी आता है तो शैल का प्रयोग करेंगे, आई वी के अलावा अगर कोई दूसरा सब्जेक्ट आता है तो विल का प्रयोग करते हैं। तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा कि कब हम शैल का प्रयोग करेंगे, कब हम विल का प्रयोग करेंगे। फिर डियर स्टूडेंट, एक्टिव वॉइस में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो पॉजिटिव सेंटेंस है, शैल या विल लिखने के बाद हम हैव का प्रयोग करेंगे। हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, ध्यान दीजिएगा, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट टेंस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, जो भी परफेक्ट टेंस हो डियर स्टूडेंट, उसमें क्या किया जाता है, हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद अगर कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग किया गया हो तो कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करते हैं, अगर कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग नहीं किया गया हो तो कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग हम नहीं करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, जैसा हमारा सब्जेक्ट रहेगा, अगर सब्जेक्ट आई वी रहेगा तो शैल का प्रयोग करेंगे, आई वी के अलावा अगर दूसरा कोई सब्जेक्ट आता है तो विल का प्रयोग करेंगे, फिर हैव का प्रयोग करेंगे, हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, और ऑब्जेक्ट के बाद अगर कोई कॉम्प्लीमेंट आया है तो कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करते हैं, अगर कॉम्प्लीमेंट नहीं आया तो कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग हम नहीं करते हैं, और वाक्य के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप हिंदी में भी पहचान लेंगे और इंग्लिश में भी बहुत ही आसानी से आप पहचान लेंगे। आइए डियर स्टूडेंट, अब हम एक्टिव वॉइस को हमने पहचानना सीख लिया, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो पॉजिटिव सेंटेंस है इसको पहचानना सीख लिया। अब डियर स्टूडेंट, हम जानेंगे कि वो कौन सा मैजिकल रूल है जिसको हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे और बहुत ही आसानी से हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो आइए डियर स्टूडेंट, हम जानते हैं पैसिव वॉइस का जो रूल होता है, ध्यान दीजिएगा, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनता है।
फर्स्ट ऑफ ऑल ये सुन क्या ध्यान देना है कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। सब्जेक्ट में लिखने के बाद अगर सब्जेक्ट आई और वी बनता है तो सेल का प्रयोग करेंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर सब्जेक्ट आई और वी बनेगा तो ऐसे कंडीशन में हम सेल का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट आपका आई वी के अलावा अगर दूसरा सब्जेक्ट बनता है तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। ये आपको क्लियर होना चाहिए। एक बार मैं रिपीट करता हूँ, अगर एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में बनता है, अगर आई और वी आता है तो आई वी के लिए हम सेल का प्रयोग करेंगे, आई वी के अलावा अगर कोई दूसरा सब्जेक्ट आता है तो हम विल का प्रयोग करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ डेशन यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब ध्यान दीजिएगा, सेल या विल लिखने के बाद हम हैव का प्रयोग करेंगे और हैव के बाद बिन का प्रयोग करेंगे। बिन, बी ई ई एन, डेशन ध्यान दीजिएगा, बी नहीं बिन का प्रयोग करेंगे। फिर बिन लिखने के बाद क्या करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। फिर बाई का प्रयोग करेंगे, बाई के बाद एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है इसको ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे और वाक्य के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। तो डेशन देखिए बहुत आसान है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा कि एक्टिव वॉइस को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। जैसा सब्जेक्ट रहेगा, अगर आई वी रहेगा तो सेल का प्रयोग करेंगे, आई वी के अलावा अगर दूसरा कोई सब्जेक्ट होगा तो विल का प्रयोग करेंगे, फिर हैव का प्रयोग करेंगे, हैव के बाद बिन का प्रयोग करते हैं, बिन के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई का प्रयोग करेंगे, बाई के बाद एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के रूप में उसको बदल देते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आई अंडरस्टैंड, इस रूल को हम फॉलो करके बहुत ही आसानी से हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करेंगे। डेशन ध्यान दीजिएगा, पहला एग्जांपल है आपका, पहला एग्जांपल है दे विल हैव फ्लोन द काइट्स, दे विल हैव फ्लोन द काइट्स, इट मींस वे पतंग, वे बहुत सारे पतंग उड़ा चुके होंगे। तो डियर स्टूडेंट अब देखिए हमने क्या बताया था हिंदी में पहचानना, कि जिस वाक्य के क्रिया के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे शब्द आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाता है। हिंदी में पहचानने का रूल क्या होता है कि वाक्य को क्रिया को देखना है, अगर चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे शब्द आ रहे हैं तो ऐसे कंडीशन में फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस कहलाता है। अब इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे, हमने बताया था कि अगर सब्जेक्ट के बाद शैल या विल हैव का प्रयोग हो, जैसा कि दे है इसलिए क्या हुआ है यहाँ पे विल हैव का प्रयोग हुआ है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म आए और ऑब्जेक्ट आए तो ऐसे कंडीशन में फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस कहलाता है। तो देखिए डिस्टेंट आपने हिंदी में भी आपने पहचानना सीखा है और इंग्लिश में भी आप पहचान रहे होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये आपको क्लियर हो रहा होगा। आइए डिस्टेंट आप इस सेंटेंस को हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करते हैं। तो अभी हमने क्या बताया डिस्टेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमें क्या करना है, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। अब हमें पार्ट ऑफ द सेंटेंस जानना है कि एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंस है, सेंटेंस में कौन कौन सा पार्ट यूज किया गया है सेंटेंस का। तो दे डेशन क्या आपका सब्जेक्ट है, विल हैव क्या है हेल्पिंग वर्ब है, फ्लोन मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, द काइट्स क्या आपका ऑब्जेक्ट है, द काइट्स क्या आपका ऑब्जेक्ट है। डेस्टेंट अभी जस्ट हमने बताया एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। तो क्या लिखेंगे, द काइट्स, द काइट्स ये क्या आपका ऑब्जेक्ट है, द काइट्स लिखा। फिर आई वी रहता तो हम सेल का प्रयोग करते हैं, लेकिन आई वी नहीं है, दूसरा सब्जेक्ट जैसे ही आएगा वैसा हम क्या करेंगे, विल हैव का प्रयोग करेंगे, विल हैव, फिर बिन लिखेंगे, बिन बिन, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्मेशन। आपको रूल ही देखना है और रूल को ही स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। वर्ब का थर्ड फॉर्म जैसे कि ये आपका परफेक्ट है, परफेक्ट में ऑलरेडी वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया है फ्लोन, तो हम क्या करेंगे फ्लोन लिख देंगे, फ्लोन फ्लोन। फिर बाई का प्रयोग करेंगे, बाई में एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या आपका दे है, पैसिव वॉइस में जब इसको ऑब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं तो दे का क्या होता है इसमें डेम होता है, क्या लिखेंगे डेम, अंत में फुल स्टॉप, द काइट्स विल हैव बीन फ्लोन बाई देम। मैं उम्मीद कर रहा हूँ स्टैंड हम आप रूल को फॉलो कर रहे होंगे और रूल को फॉलो करके स्टेप बाय स्टेप आप क्या कर रहे होंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर कर रहे होंगे।
नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल देखिएगा, अगला एग्जाम्पल है आई शैल हैव रीड दिस बुक, आई शैल हैव रीड दिस बुक, इट मीन्स डियर स्टूडेंट मैं इस पुस्तक को पढ़ चुका हूँगा, मैं इस पुस्तक को पढ़ चुका हूँगा। अब डियर स्टूडेंट अब हम इसकी हिंदी में पता चल गया, अब चुका हूँगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आएगा, तो ऐसे कंडीशन में क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस कहलाएगा। लेकिन डियर स्टूडेंट हिंदी एक्टिव, अब जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करेंगे तो एक्टिव वॉइस में आपका हिंदी नहीं दिया रहा है, नहीं दिया होगा। डियर स्टूडेंट आपको मैं जो बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल ट्रिकी इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ आपको, इंग्लिश जो टेंस है टेंस भी आपको अच्छे तरीके से आ जाए, और टेंस के अलावा जो एक्टिव वॉइस में जो पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करना है पैसिव वाइज भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो डेस्टर मैं दो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, एक तो आपको टेंस के साथ साथ मैं आपको पैसिव वाइज भी सिखा रहा हूँ। तो डेस्टर ध्यान दीजिएगा, क्या है आपका, आई शैल हैव रीड दिस बुक, इट मीन्स मैं इस यह पुस्तक पढ़ चुका हूँगा। अब इसमें पार्ट ऑफ द सेंटेंस देखना है, पार्ट ऑफ द सेंटेंस क्या है, आई आपका सब्जेक्ट है, शैल शैल हैव हेल्पिंग वर्ब है, रीड वर्ब का थर्ड फॉर्म है, दिस बुक क्या आपका ऑब्जेक्ट है, क्या डियर स्टूडेंट दिस बुक क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। अब हमें ऑब्जेक्ट पता चल गया है, अब इसको पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करेंगे तो पैसिव वॉइस का रूल ही कहता है डियर स्टूडेंट, एक्टिव वॉइस की ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या आपका दिस बुक ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट था, हमने सब्जेक्ट बना दिया। अगर आई वी रहता है यहाँ पे तो हम शैल हैव का प्रयोग करते, लेकिन आई वी का प्रयोग नहीं है तो हम क्या करेंगे, विल हैव का प्रयोग करेंगे, Will have been वर्ब का थर्ड फॉर्म, विल हैव बीन लिखने के बाद क्या करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म, रीड रेड रीड सेम होता है डियर स्टूडेंट, रीड में कोई चेंज नहीं होता है तो रीड का क्या होगा, रीड ही होगा रीड। फिर बाय का प्रयोग करेंगे, बाय का एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या आपका आई है, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तो आई का क्या होगा आपका मी हो जाएगा, दिस बुक विल हैव बीन रीड बाय मी। अगला एग्जाम्पल देखिएगा, अगला एग्जाम्पल है यू विल हैव डन योर वर्क, यू विल हैव डन योर वर्क, इट मीन्स तुम अपना कार्य कर चुके होगे। अब पार्ट ऑफ द सेंटेंस जानते हैं, यू सब्जेक्ट है, विल हैव हेल्पिंग वर्ब है, डन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, योर वर्क क्या आपका ऑब्जेक्ट है, योर वर्क क्या आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाएंगे सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, लिखेंगे योर वर्क, योर वर्क, फिर योर वर्क आ रहा है तो डेस्टिनेशन हमने क्या बताया, आई भी रहता तभी हम क्या करते हैं शैल हैव का प्रयोग करते हैं, ये यहाँ पे योर वर्क है तो इसके लिए क्या करेंगे, विल हैव का प्रयोग करेंगे, विल हैव बीन, विल हैव बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म, जैसा कि ऑलरेडी आपका दिया है डन तो हम क्या लिखेंगे डन डन। फिर बाय का प्रयोग करेंगे, बाय में एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या आपका यू है, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, यू का क्या होता है यू होता है, अंत में क्या करेंगे फुल स्टॉप का प्रयोग, योर वर्क विल हैव बीन डन बाय यू। तो जैसे मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, स्टेप बाय स्टेप आप रूल को फॉलो कर रहे हैं और फॉलो करके बहुत ही आसानी से आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो जैसे ध्यान दीजिएगा, अगला एग्जाम्पल देखिएगा, अगला एग्जाम्पल है ही विल हैव ईटन एन एप्पल, ही विल हैव ईटन एन एप्पल, इट मीन्स वह एक सेब खा चुका होगा, वह एक सेब खा चुका होगा। तो डेस्टेंट अब क्या है, अब इसको अगर एक्टिव वॉइस में आइडेंटिफाई करना है तो सब्जेक्ट के साथ देखिए विल हैव का प्रयोग है, कभी भी सब्जेक्ट के साथ विल हैव या शैल हैव का प्रयोग हो और वह आपका थर्ड फॉर्म आए, ऑब्जेक्ट आए, तो ऐसे कंडीशन में डेस्टेंट फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस कहलाता है। तो इसको हम ट्रांसफर करेंगे पैसिव वॉइस में, तो ध्यान दीजिएगा अब इसमें पार्ट ऑफ द सेंटेंस क्या है, ही सब्जेक्ट है, विल हैव हेल्पिंग वर्ब है, ईटन मीन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, एन एप्पल क्या आपका ऑब्जेक्ट है। अब हमें ऑब्जेक्ट पता चल गया है, ऑब्जेक्ट क्या है, एन एप्पल, एन एप्पल, एन एप्पल, अब एन एप्पल है डियर स्टूडेंट, एन एप्पल के लिए या आई वी के अलावा अगर कोई दूसरा सब्जेक्ट आता है तो ऐसे कंडीशन हम क्या करेंगे, विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे, विल हैव बीन, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी ईटन दिया हुआ तो क्या करेंगे ईटन लिखेंगे, ईटन, फिर बाय का प्रयोग करेंगे, बाय का एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या आपका ही है, ही का क्या हो जाएगा हिम हो जाएगा, एन एप्पल विल हैव बीन
ईटन बाय हिम। ये डियर सन जान लीजिएगा कि आपको स्टेप बाय स्टेप रूल को फॉलो करना है और देखिए बहुत ही आसानी से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर हो जा रहा है। अगला एग्जांपल देखिएगा, सी विल हैव वॉश्ड द क्लॉथेज। सी विल हैव वॉश्ड द क्लॉथेज इट मीन्स वह कपड़े धो चुकी होगी। अब स्टैंड सब्जेक्ट इसमें सी है, विल हैव क्या है हेल्पिंग वर्ब है, वॉश्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ऑब्जेक्ट क्या है द क्लॉथेज है। तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में इसको ट्रांसफर करना है तो द क्लॉथेज ऑलरेडी हमें ऑब्जेक्ट के रूप में मिल गया है, इसको हम सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, लिखेंगे द क्लॉथेज, द क्लॉथेज विल हैव, द क्लॉथेज विल हैव बीन, द क्लॉथेज विल हैव बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दिया हुआ है तो क्या लिखेंगे वॉश्ड, वॉश्ड फिर बाय का प्रयोग करेंगे, बाय बाय एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या आपका सी है, पैसिव वॉइस में जब ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे सी का क्या जाता है हर हो जाता है, क्या लिखेंगे हर, अंत में क्या करेंगे फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे, द क्लॉथेज विल हैव बीन वॉश्ड बाय हर। अगला एग्जाम्पल देखिएगा, अगला एग्जाम्पल है ही विल हैव टाटस, ही विल हैव टाटस वह हमें पढ़ा चुके होंगे। तो डियर स्टैंड जैसा कि हमने बताया सब्जेक्ट के साथ अगर शैल हैव या विल हैव का प्रयोग देखते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है तो ऐसे कंडीशन में फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस कहलाता है। पार्टा तो सेंटेंस देखिएगा, सब्जेक्ट आपका ही है, विल हैव क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब है, चार्ट जो है क्या है वर्ब का थर्ड फॉर्म है, अस क्या आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट अब क्या है डियर स्टैंड अस है, तो कभी भी अगर प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में आता है अगर अस है तो अस का सब्जेक्ट क्या होता है वी होता है, क्या होता है वी होता है। हम आपको बार बार बता रहा हूँ अगर आई वी आएगा तो हम क्या लिखेंगे शैल हैव बीन, क्या लिखेंगे शैल हैव बीन। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है टाट, क्या लिखेंगे टाट। फिर बाय का प्रयोग करेंगे, बाइक में एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या आपका ही है, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तो ही का क्या आ जाएगा हिम। फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे, वी शैल हैव बीन टॉट बाय अस हिम। अगला एग्जांपल देखिएगा और इस टॉपिक का डिस्टेंट आपका लास्ट एग्जांपल है सो अच्छे से समझिएगा। लास्ट एग्जाम्पल डिस्टेंट, मोहन विल हैव हेल्प्ड मी, मोहन मेरी मदद कर चुका होगा, मोहन मेरी मदद कर चुका होगा। अब डेस्टन ध्यान दीजिएगा कि सब्जेक्ट के साथ आपका विल हैव आया है और वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है और ऑब्जेक्ट आया है, आप विल हैव शैल हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म देखते ही आप पहचानेंगे कि ये जो सेंटेंस है, ये जो सेंटेंस इसका टेंस क्या है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस है। अब पैसिव वॉइस में बदलने के लिए हम क्या करेंगे इसका पार्ट ऑफ द सेंटेंस जानेंगे, पार्ट ऑफ द सेंटेंस हम इसलिए जानेंगे डेस्टन क्योंकि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट बन जाता है और एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, मोहन क्या आपका सब्जेक्ट है, विल हैव हेल्पिंग वर्ब है, हेल्प्ड ये क्या है वर्ब का थर्ड फॉर्म है, क्या है वर्ब का थर्ड फॉर्म है, मी क्या आपका ऑब्जेक्ट है। तो जैसे ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाएंगे सब्जेक्ट, जैसा कि मी है मी में चेंज होगा, मी का हम क्या करेंगे आई के रूप में लिखेंगे, क्या होगा आई शैल have, I shall have वर्ब का थर्ड सॉरी आई शैल हैव के बाद क्या करेंगे बिन का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे बिन, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी आपका दिया है helped, क्या लिखेंगे helped, फिर बाय का प्रयोग करेंगे, बाय का एक्टिव ऐसे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या आपका मोहन है, नाउन मेडिएशन कोई चेंज नहीं होता है, क्या लिखेंगे जो नाम दिया है नाम ही लिख देंगे मोहन। I shall have been helped by Mohan. तो डियर फ्रेंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो मैंने टॉपिक आपको बताया, आज मैंने आपको बताया एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में मैंने बताया कि किस तरीके से हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो पॉजिटिव सेंटेंस है हिंदी में किस तरीके से पहचानते हैं, इंग्लिश में किस तरीके से पहचानते हैं, क्या रूल है, रूल के बारे में मैंने आपको बताया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने एक्टिव वॉइस का जो रूल है, मैंने जो जो टेंस है यहाँ रेस्टोरेंट में टेंस भी आपको बता रहा हूँ,
मैं उम्मीद करता हूँ आपको टेंस भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। छोटी क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि किस तरीके से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करते हैं, जो पैसिव वॉइस का रूल है, पैसिव वॉइस के रूल के बारे में मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया। ऑडियो से मैंने बताया ही नहीं, मैंने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके बहुत ही आसानी से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ डियर आज का जो टॉपिक है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर डियर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो कि हमारा जो चैनल है लर्निंग विद सूरज सर, ये ऐसा चैनल है जिस पर फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया जाता है। अगर डिस्टेंट आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या बोर्ड एग्ज़ाम के अलावा कम्पिटेटिव लेवल का जो एग्ज़ाम है जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है, अगर उसकी तैयारी कर रहे हैं तो भी डिस्टेंट ये जो चैनल है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। डिस्टेंट अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा जो वीडियो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई आपको प्रॉब्लम आता है तो ज़रूर डियर आप कमेंट करिए। और डियर अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। हमारे साथ बने रहने के लिए डियर थैंक यू वेरी मच। ऑडियो जंगल।